हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए कुछ स्पेशल रेसिपी। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी दही, ग्रीन चिली, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चार आलू बॉइल्ड। ठीक है, ये सूजी है, इसको मैंने भिगो लिया था, एक कटोरी सूजी है ये, इसको भिगो के ही अच्छे से फूल गई है। ठीक है, अब इसमें हम सब कुछ ही मिलाएंगे। अब सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे। ये देखिए, आलू हमारे मैश हो गए हैं, मैंने मैशर की हेल्प से इसको मैश किया अच्छे से। ठीक है, अब इसमें आलू डालेंगे और ये सारा मिक्सचर इसमें मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली, ठीक है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर वो भी स्वाद अनुसार, ठीक है, दही थोड़ी सी अभी डालते हैं, थोड़ी पतली गाढ़ी जब होगी तो देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम करेंगे मिक्स वेल। गाइस देखिए, इसमें आलू हमने डाल लिए हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये व्रत वाला बन रहा है इसीलिए इसमें ये सब चीज़ें डाली हैं, बाकी आप इसमें प्याज, लहसुन, अदरक कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो आप वेजिटेबल डालना चाहें। ये मेनली मैं फास्ट के लिए बना रही हूँ। सो गाइस, एक मैंने बना लिया है, एक दूसरी तरफ बन रहा है। ठीक है, अब इस पर हम लगाएंगे फ्राई पैन पे लिटिल बिट ऑफ ऑयल। अब डालेंगे इसके ऊपर बैटर। आप मोटा पतला अपने हिसाब से बना सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा मोटा ही रखूंगी। फ्राई पैन में, तवा, आप जिस मर्जी में बना सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने तवा भी यूज किया है और फ्राई पैन भी। ठीक है, अब हम इसको ढक देंगे और हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे, तभी ये क्रिस्पी बनेगा 5 मिनट के लिए। सो इसको चेक करते हैं, 5 मिनट हो गए हैं, ये इसकी साइड्स बाहर आ गई, देखें अच्छे से हिल रहा है, सो इट मींस नीचे से क्रिस्प हो गया होगा। अब हम इसको ऐसे, वाओ लवली। ठीक है, बट इसको भी हम ढक के ही पकाएंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल सिम गैस पे, बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल भी इसको आंच को तेज मत रखना वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये क्रिस्पी तो बहुत बना है, एकदम बढ़िया। एक तरफ मैंने चाय रखी है, इसके साथ चाय पीने का अलग ही मजा है। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो, पनीर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। चेक करें इसको, वाओ चेक करते हैं इसको पीछे से, ये पक गया है या नहीं। अभी पीछे से नहीं हुआ है बिकॉज गैस बिल्कुल बिल्कुल सेम है ना, इसलिए। अब चेक करते हैं इसको भी, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, इसको पलट के देखते हैं, वाओ इट्स लवली। देखिए कितना अच्छा क्रिस्प हुआ है और कितना जालीदार बना है। तो अभी सर्व करने के लिए वैसे रेडी है, अगर आप चाहें तो इसको सिम गैस पे थोड़ा सा क्रिस्प और कर सकते हैं, बट मेरे को इतना पसंद है, इतना क्रिस्प
अच्छा लग रहा है, एकदम गोल्डन ब्राउन हुआ है। ठीक है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। व्रत का है सो हम इसको टमाटो केचप वगैरह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फास्ट में नहीं खानी चाहिए टमाटो केचप। सो इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला भी हो चुका है। ये देखिए थाली हो गई है हमारी तैयार व्रत वाली। ठीक है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अब हमारा जो व्रत का खाना है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है चाय के साथ, क्योंकि बारिश का मौसम है इसीलिए मैंने आज ये ट्राई किया। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ आलू सूजी का चीला टाइप्स पकौड़े टाइप्स कुछ बनाया जाए। ठीक है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो। फास्ट है तो मैंने इसीलिए इसमें आलू डाले हैं। ओके, आप कमेंट करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।